उसको स्टार्ट करें। ठीक है जाहिद, शाबिर, रेहान और हमारे पास भरमार आ गई मैसेज की इस टाइम पे, और सर मोहम्मद बिलाल चन्योट से भी हैं हमारे पास, कासिम, अदनान, नजीब, मदीहा, आकाश, इलियास का बकायदा आगाज कर रहा हूँ। मेरी वीडियो अगर आप सबको नजर आ रही है तो बहुत जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सब ठीक है? वॉइस क्लियर मुझे? यस सर, क्लियर है। यस, क्लियर 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 वॉइस, क्लियर, जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों ने सबने मेरे साथ रहना है, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो कि पीछे रह जाए। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके चलता हूँ। देखो, अगर जिंदगी में आपने तेज दौड़ना है तो आपको अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी। जिस किसी ने भी अगर कोई कंप्यूटर बना लिया या मोबाइल बना लिया, वो फर्स्ट मूवर हो गया, ये बड़ा तीर नहीं है। बड़ा तीर ये है कि आपने इतना तेज भागना है कि आपने उसको पीछे छोड़ देना है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि आपको स्पीड पे लेके चलूं। जो थोड़े से पीछे रह जाए, मेरी कोशिश होगी मैं उनका हाथ पकड़ के उनको साथ लेके चलूं, लेकिन कोई भी इंशाल्लाह इसमें पीछे नहीं रहेगा। मैं बकायदा इस चीज का स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम हैदर अहमद काजी है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ। इस्लामाबाद में आपको पता है, अगर आप में से कुछ लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी से हैं, तो वहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट का सबसे बड़ा ख्वाब होता है गवर्नमेंट की नौकरी। जी हाँ, गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए तो वो अपने आप को एक बहुत कुछ समझते हैं, मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक तीर हो गया, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैं आज से जब 18 साल का था तो मैंने गवर्नमेंट की नौकरी स्टार्ट कर ली, बिकॉज दिस वॉज द मिनिमम एज दैट यू कैन गेट जॉब। और मैंने गवर्नमेंट की नौकरी की सीडीए के अंदर, अगर आप लोगों को रावलपिंडी में है, आपको पता होगा कि सीडीए क्या चीज है, और उसके अंदर 5-6 साल नौकरी करने के बाद आपको मिलती है एक प्लॉट मिलता है, और अच्छी खासी गवर्नमेंट की जो है ना ग्रेजुएटी वगैरह भी होती है। बट गाइस, डू यू नो, मैं वहां नहीं रुका। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही? बिकॉज अनम आफ्ताब को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको अगर क्लियर आ रही है तो काइंडली फातिमा अनम को आप बता देंगे, उन्होंने शायद वहां पे क्लिक नहीं किया होगा। क्लियर 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 क्लियर, ओके। तो मैं आपको ये बता रहा था कि गवर्नमेंट की नौकरी की, गवर्नमेंट की नौकरी मुझे मिल गई, बहुत अच्छी सैलरी थी उस टाइम पे। आज से मैं 2008-09 की बात कर रहा हूँ, 65,000 रुपीज सैलरी थी उस टाइम पे। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये सैलरी भी बहुत होती थी, मतलब जहां पे 18,000-19,000-20,000 एक ख्वाब होता था एक एवरेज एमबीए का, उस टाइम पे 60-65,000 रुपीज मुझे सैलरी मिलती थी। बट गाइस, क्या आप जानते हैं कि मैंने वो स्टीरियोटाइप तोड़ा, मैंने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ी, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई प्राइवेट जॉब की। मैं उस वक्त बीबीए कर रहा था कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी से, आई डिड माय बीबीए, और बीबीए करने के साथ साथ मैंने गवर्नमेंट की नौकरी भी की, और उसके बाद मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। एक चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हो रही थी पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे, और उन्होंने कहा कि हमने ई कॉमर्स लॉन्च करना है। गाइस, डू यू नो, उस टाइम पे ई कॉमर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसको नहीं पता होगा, लेकिन ई कॉमर्स उस वक्त एक ऐसी फील्ड थी जिसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे। मैं नहीं जानता था, लेकिन मैंने उसके बारे में जानना स्टार्ट किया, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं 60,000 की जॉब छोड़ के 20,000 की इंटर्नशिप पे आया, और 6 साल गवर्नमेंट की नौकरी करने के बाद जब उसे क्विट करके प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मैंने 6 साल कुछ भी नहीं सीखा। क्या आप सोच सकते हैं, 6 साल कुछ भी नहीं सीखा? 6 साल मैंने इसका मतलब है अपने जाया कर दी, बिकॉज प्राइवेट नॉलेज वाज टोटली डिफरेंट। ई कॉमर्स क्या है, टोटली डिफरेंट। केमयू दराज उस टाइम पे लॉन्च हो रहे थे और ये एक बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। देखो, सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर किसी भी एक्टिविटी का होना, इसको कहते हैं इंटरनेट। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आज आप लोगों में से देखो, पैसे दो तरीके से कमाए जाते हैं, आज मैं आपको बड़ा क्लियर करके बताता हूँ। पैसे दो तरीके से कमाए जाते हैं, नंबर वन आप कहीं पे जॉब करते हो, नंबर टू आप कारोबार करते हो। जॉब जो करते हैं वो किसी के कारोबार के अंदर उस पर फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो कारोबार होता है वो आपका अपना होता है। एक वक्त ऐसा था कि कारोबार स्टार्ट करना किसी आम बंदे का काम नहीं होता। आपने देखा, कारोबार कम, नौकरियां ज्यादा, क्यों? क्योंकि कारोबार हर बंदे के बस की बात नहीं होती, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक आपको इन्वेंटरी दरकार होती है, एक जगह दरकार होती है, एक आपको दुकान खरीदनी होती है, आपने आगे मुलाजिम रखने होते हैं, इसके लिए लगता है पैसा। लेकिन गाइस, डू यू नो कि ई कॉमर्स के आने के बाद ये इन्वेस्टमेंट, ये लोकेशन सब खत्म होगी। टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि आपको इतना बूस्ट कर दिया कि आप इस टाइम पे बैठे बैठे घर में अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हो,
आप फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे कार्टून बनाते हो, यू कैन अर्न. अगर आप घर में बैठे बैठे कोई गुलदस्ता बना लेते हो, यू कैन अर्न. अगर आप कोई खाने पीने की चीजें बनाते हो, यू कैन अर्न. अगर आप कोई टेक्निकल काम करते हो, यू कैन अर्न. दिस इज टेक्नोलॉजी. दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज. दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट. अच्छा, मैं आपको एक मिनट के लिए बताना चाहूंगा, क्या आप में से कोई एक ऐसा इंसान इस टाइम पे है जो ये कहे कि मुझे अगर आज 60-70 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, मैं उस नौकरी को लूंगा? क्या आप में से कोई ऐसा है? हैंड रेस करेंगे फौरी तौर पे, मुझे यहाँ पे लिख के बताएंगे. मी, यस. अब्दुल मुसव्वर कहते हैं जी. ईमानुल्लाह कहते हैं मैं भी करूंगा. अब्दुल करीम कहेंगे. आयशा, अहमद, अक्सा, रेहाना, कासिम, ये सब कह रहे हैं कि मुझे नौकरी करनी है. बट गाइस, डू यू इमेजिन, नौकरी में अल्लाह ताला ने इंसान का एक हिस्सा रिस्क कर रखा है, जबकि कारोबार अगर आप करते हो तो आपका 9th हिस्सा है. यानी कि एक कारोबार करने वाला एक नौकरी करने वाले से 9 गुना ज्यादा कमाता है. बट जैसे मैंने कहा कि बिजनेस करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन. लेकिन ई कॉमर्स के आने के बाद ये बहुत आसान हो गया. अब मैं आपको ये कहता हूं कि आप लोगों को ई कॉमर्स की तरफ आना है, तो क्या कोई ऐसा इंसान है जो मुझे चैलेंज करे कि मुझे ई कॉमर्स की तरफ नहीं आना, मुझे जाना है किसी और बिजनेस की तरफ? या आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं सर, मुझे ई कॉमर्स नहीं करना, मुझे कॉल सेंटर खोलना है. आप में से कोई ऐसा कहेंगे नहीं, मुझे ई कॉमर्स नहीं खोलना, मुझे ई कॉमर्स का कोई काम नहीं सीखना, मुझे कोई भी एक्स वाई जी काम करना है, मुझे मैकेनिक की शॉप खोलनी है, मुझे रेडी लगानी है. क्या आप में से कोई ऐसा है जो अभी भी ये सोचे कि ई कॉमर्स नहीं करना? देन आई विल टेल यू व्हाई ई कॉमर्स, व्हाई टू फोकस ऑन ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स इस पर क्यों जरूरी है. क्या आप में से कोई ऐसा है जो कहे कि मैंने ई कॉमर्स नहीं करना? इंजीनियरिंग के साथ ई कॉमर्स कर सकते हैं? हर बिल्कुल कर सकते हैं. इंशाल्लाह हमारे आज की डिस्कशन का जो एंड पार्ट होगा, उस एंड पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी फील्ड से हो, आप एक एक करके अपनी फील्ड बताते जाना, मैं आपको बताऊंगा कि आपने ई कॉमर्स कैसे करना है. आज आप इंशाल्लाह ताला वो पावर लेके जाओगे, वो एनर्जी लेके जाओगे कि आज के बाद कोई भी अगर आपको पूछे आप क्या करते हो, आप ये नहीं कहोगे आई एम अ जॉबलेस, आप ये नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं करता, आप ये नहीं कहोगे मेरे पास डिग्री है बट आई डोंट हैव जॉब, आई डोंट हैव वर्क टू डू. That is my promise, inshallah. Okay, एक बंदा मुझे कहता है कंप्यूटर शॉप खोलनी है, एक कहता है मुझे यूट्यूब बनाना है, अच्छा एक कहता है मैं एनर्जी बाम्बू, सॉरी इस पे मैं मेडिकल फील्ड में जाना है, प्री इंजीनियरिंग, नाउ आई डू बीबीए, बीएएमएस आर्कियोलॉजी. गाइस लिसन टू मी, मैंने जब कहा कि ई कॉमर्स करना है और कुछ नहीं करना और किसी फील्ड में नहीं जाना, देखो शॉपिफाई, ड्रॉप शिपिंग वगैरह ये सब ई कॉमर्स का पार्ट है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि दुनिया में इस वक्त आपने और किसी डायरेक्शन में नहीं जाना, ई कॉमर्स में जाना है, तो उसकी दो वजह है. आप में से क्या किसी को यह पता है कि पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट कितना है? मुझे फौरन लिख के भेजेंगे, जिसने सबसे पहले लिखा है उसका नाम लेके बताऊंगा. मैं गिनूंगा 5 तक. 1, 2, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान. ओके, 1, शाहिद रहीम 2 बिलियन नहीं है, मोहम्मद शोजेब 22 बिलियन वर्ड रुपीज डॉलर. ओके, माजिद शाबिर ने कहा 22 बिलियन डॉलर, 24 बिलियन इल्यूजियंस बिहाइंड आईएमए इज राइट, इट्स अराउंड 24 बिलियन डॉलर, एक्सीलेंट बिलियन डॉलर. बट डू यू नो अलीबाबा, अलीबाबा एक दिन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से कितनी सेल करता है? डू यू नो दैट दे आर डूइंग 38 बिलियन डॉलर्स, 38 बिलियन डॉलर्स. तो आज पहला पॉइंट आप क्या ले रहे हो, वाई कॉमर्स, बिकॉज पाकिस्तान का पूरा मुल्क, 22 करोड़ अवाम जितना मिल के एक साल में कमाती है, अलीबाबा एक दिन में ई कॉमर्स वेबसाइट से उससे ज्यादा सेल करता है. इसलिए आपको करना है ई कॉमर्स. इट मींस कि अगर अलीबाबा एक दिन की सेल के पैसे पाकिस्तान को दे दे, तो वो एक साल की उसकी पूरी एक्सपोर्ट से ज्यादा है. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आप सबको क्लियर हो गया वाई कॉमर्स. अब मैं आपको दूसरी रीजन दूंगा, दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? गूगल करो, जो मर्जी करो, 10 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को. दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? जेफ बेजोस, जबरदस्त मोहसिन अक्सर, नोमान सबा, उमेर, आप सबने बिल्कुल सही. नहीं, फाउंडर ऑफ फेसबुक नहीं है जी, आप लोग गलत है.
बहुत सारे लोगों ने लिखा है जी बिल गेट्स, बहुत सारे लिखा है जेफ बेजोस. बिल गेट्स वाज और जेफ बेजोस इज दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान इस टाइम है जेफ बेजोस. और वो क्या करता है, वो किस चीज का मालिक है, ऑनर ऑफ अमेज़न. पॉइंट नंबर वन, दुनिया में सबसे ज्यादा सेल एक दिन में कोई प्लेटफॉर्म करता है वो कौन है, अलीबाबा. दुनिया में सबसे अमीर तरीन इंसान अगर कोई है तो वो है जेफ बेजोस, जो के मालिक है अमेज़न का. अमेज़न इज द वर्ल्ड्स नंबर वर्स्ट एंड द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. नंबर थ्री रीजन जो आज मैं आपको देना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने ई कॉमर्स करना है वो क्या है, नंबर थ्री रीजन जो आज मैं आपको दे रहा हूं वो है कि देखो कोविड 19 आया, आप लोगों ने देखा बहुत से लोगों को ले ऑफ कर दिया, बिजनेसेस बंद हो गए, रिटेल बंद है, लॉकडाउन है. कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस लॉकडाउन के अंदर बजाय इंप्लॉयज को निकालने के इंप्लॉयज कंपनी के अंदर लेके आ रही थी. इसने 1,00,000 जॉब्स ऑफर की इस दुनिया के अंदर लॉकडाउन में. एक्सैक्टली इट वॉज अमेज़न. तो पॉइंट नंबर वन, अलीबाबा एक दिन में दुनिया की सबसे बड़ी सेल करता है. अमेज़न का मालिक, ई कॉमर्स का ऑनर, दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है. और थर्ड पॉइंट, कि इस टाइम लॉकडाउन में जबकि लोग, यानी कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर जब लोग निकाल रहे हैं नौकरियों से, वो नौकरियां दे रहा है गाइस, तो अब मुझे बताएं क्या आप में से कोई ऐसा बंदा इस टाइम है जो कहेगा कि ई कॉमर्स नहीं करना. मुझे लिख के दे, मैं चैलेंज करता हूं उसको, मैं उसका आंसर करूंगा. मुझे अभी लिख के दे क्या कोई ऐसा है. जरक, आयशा, यमुना, आप लोग सब बिल्कुल एक सेम चैनल पे हैं, हारिस वगैरह सबने ओके की रिपोर्ट दी, जबरदस्त. अच्छा, अब गाइस मैं आपको लेके आना चाहता हूं. आपने आपको देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये पता लगा लिया कि हमें क्या करना है, डायरेक्शन क्लियर होगी ना कि अब आपने फ्यूचर में कहां जाना है. देखो आपने अगर फॉर एग्जांपल रावलपिंडी से लाहौर जाना है या कराची से लाहौर जाना है, अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा ना तो आप भटकते रहोगे. आपने जाना लाहौर था, निकल गए क्वेटा. आपने जाना पिंडी था, आप निकल गए इस्लामाबाद या आप निकल गए मरी. एग्जैक्टली जब तक आपको रास्ता क्लियर नहीं होगा आपको नहीं पता चलेगा. रास्ता क्लियर हो तो आप बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो. तो आज मुझे एटलीस्ट, क्या आप इस वक्त ये बोल सकते हो आपको रास्ता क्लियर है कि हाँ ई कॉमर्स करनी है तो क्यों करनी. मैं ऐसे हवाओं में बात नहीं कर रहा कि ई कॉमर्स करो और आंखें ब्लाइंड बंद करके फॉलो करने लग जाओ. नहीं, आप लोगों ने ये बताना है क्या आप सेटिस्फाइड हैं. एग्जैक्टली अक्सर मैं बताऊंगा कि मेडिकल स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं. डोंट यू वरी, इंजीनियर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, ACCAs, वो लोग, फाइनेंस वगैरह, आप सबको मैं बताऊंगा कि आप ई कॉमर्स कैसे कर सकते हो. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, इंशाल्लाह ताला आई एम हेयर. मैं आपको आज छोड़ने नहीं वाला जब तक आपके दिमाग का ढक्कन नहीं खुल जाता. सही है, ओके. तो हम लोगों को एक चीज क्लियर होगी, डायरेक्शन क्लियर होगी. अब मैं चलता हूं कि आप डायरेक्शन, मुझे एक ऐसा मीडियम यानी कि गाड़ी या कि कोई ऐसी चीज देखनी है जो कि बाकी मुझे बड़ी तेजी से वहां पे मंजिल पे ले जाए. तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ई कॉमर्स आपने कर लिया, अब ई कॉमर्स की तरफ आपने जाना है, डायरेक्शन पे चल गई, लेकिन अब ई कॉमर्स करना कैसे है और ई कॉमर्स में कौन सी ऐसी चीज है. मतलब ई कॉमर्स में बहुत सी डिफरेंट चीजें. OLX इज ई कॉमर्स. अगर आप वेबसाइट पे फूड पांडा करते हो तो दैट इज एन ई कॉमर्स. अगर आप जैस कैश करते हो दैट इज एन ई कॉमर्स. अगर आप दराज से शॉपिंग करते हो दैट इज एन ई कॉमर्स. बट दिस इज डिफरेंट टाइप्स. इसमें होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, और इसके अलावा कस्टमर टू बिजनेस. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स होती है. लेकिन मेरा आज मकसद ये है कि अगर एक रुपया भी नहीं है, अगर आपको 1% नॉलेज नहीं है फील्ड का, तब भी आप ई कॉमर्स करें. कैसे, मेरा काम है आपको लेके चलना. ठीक है, तो पहले मैंने डायरेक्शन क्लियर की, अब मैं आपको लेके जाऊंगा किस तरह से हमें तेजी से दौड़ना है. देखो, दुनिया में सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस जो है वो है अलीबाबा का. दुनिया में सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अमेज़न, लेकिन अलीबाबा की कोई रिटेल शॉप नहीं है, अमेज़न की कोई दुकान नहीं है. इसके अलावा सबसे बड़ा टैक्सी का जो नेटवर्क है दैट इज उबर, दैट इज करीम, दैट इज डीडी इन चाइना, लेकिन इनकी एक भी गाड़ी इनकी अपने पेरोल पे नहीं है. ठीक है, और तीसरा, मतलब आप डिफरेंट दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेस देखो वो हमेशा फ्लाई लो चलते हैं. फ्लाई लो का मतलब क्या है,
फ्लाई लो का मतलब ये है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ना हो, मेरे पास पैसा ना हो, मैं फिर भी पैसा कमाऊं, ये आसान तरीका जो है इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा तरीका है कि मुझे पता है कि एक बंदे के पास अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे पता है कि उसकी मार्केट प्राइस इस जगह पे ज्यादा है, मैं इस बंदे की प्रोडक्ट इस मार्केट तक पहुंचाता हूं और दरमियान में अपना मार्जिन रख लेता हूं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। गाइस कैन यू अंडरस्टैंड मी, कम ऑन मेरे साथ आप लोग देखो। पहली चीज मुझे पता होना चाहिए कॉस्मेटिक की, फॉर एग्जाम्पल एक चीज है वो कहां से मिल रही है, मुझे पता लगना चाहिए कि वैसे तो कॉस्मेटिक की ये मुझे मिल रही है 10 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल एक लिपस्टिक मिल रही है, बट मुझे पता है कि मार्केट में ये 100 रुपीज की बिकती है। कारोबार और बिजनेस हमेशा ऐसे होता है कि आपको पता होना चाहिए इसे कहते सप्लाई चेन, कि सप्लाई चेन में कहां से चीज मुझे सबसे सस्ती मिलेगी, यानी कि उसका होलसेलर कहां बैठा हुआ है। 10 रुपए की चीज मार्केट में 100 रुपीज की मिल रही होती है, तो इसको आपने जब देखना है और दरमियान से आपने अच्छा, अब पहले क्या होता था कि आप इस होलसेलर के पास जाते थे, इससे पैसे देते थे, 10 रुपए देते थे, खरीदते थे और 100 रुपए की बेचते थे, और दरमियान में जो भी अभी कॉस्ट निकाल के अपना मार्जिन बचाते थे। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल कारोबार, जो कि दुनिया के तमाम कारोबार ऐसे होते हैं। अब जितनी दुकान देख लो आप, मेडिसिन की कोई दुकान देख लो, आप करियाने की कोई दुकान देख लो, वो हर बंदा होलसेलर से लेता है कुछ अमाउंट पे, 10 रुपए की लेके 15 रुपए की बेच दी, 10 रुपए की लेके 20 रुपए की बेच दी। दैट डिपेंड्स के मार्केट में कितना गैप है, कौन कितनी मार्केट पे बेच सकता है। कारोबार आपका ट्रेडिशनल जो है वो ऐसे ही होता है, लेकिन ई कॉमर्स ने ड्रॉप शिपिंग में ये कर दिया, मुझे इस बंदे को पैसे नहीं देने, मुझे इस मार्केट का पता है, मैंने ऑर्डर ले लिया, मैंने इस बंदे को बोला ये प्रोडक्ट इस एड्रेस पे आप पहुंचा दो, मैंने उससे पैसे 30 रुपए लिए और यहां से 10 रुपए पे कर दिए, 20 रुपए मैंने बैठे बैठे कमा लिया। दिस इज द इजिएस्ट वे टू अर्न द मनी ऑनलाइन, जिसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अगर किसी को अभी भी ड्रॉप शिपिंग समझ नहीं आई है प्लीज मुझे जल्दी लिखें ताकि मैं आगे चलूं, नहीं तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ओके अंडरस्टूड, समझ आ गई, वेरी क्लियर, जबरदस्त जबरदस्त, अगेन ओके इनाम के लिए अगेन मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। देखो ट्रेडिशनल कारोबार करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था कि मेरे पास एक ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन मैंने एक मार्केट से खरीदा 10,000 रुपए का, मैंने 10,000 पहले इस बंदे को दे दिए और फिर उसके बाद इस बंदे को मैंने ये मोबाइल बेच दिया 12,000 रुपए का। 10 मैंने पहले दिए, मुझे इन्वेस्ट करने पड़े 10, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि ये एक जगह पे अवेलेबल है, ये मार्केट मुझे पता है कि ये खरीदना चाहता है, मैंने इससे ऑर्डर लिया, इस वाले बंदे को बोला कि ये इसको यहां तक पहुंचा दो और उसके बिहाफ से पैसे लेके मैंने इसको बाद में पे कर दिया और अपना मार्जिन मैंने अपने पास पहले रख लिया। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एक वेबसाइट बनाता हूं, उस वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट बैग्स लगाता हूँ, लेट सपोज एक बंदे से वेंडर से तस्वीरें वगैरह लेके जब ऑर्डर आता है उस बंदे को कहता हूँ कि खरीदने ही ना हूँ, इस एड्रेस पे पहुंचा दो, वो उस एड्रेस देता है, आप उसको यहाँ पे कर देते हो, दूसरे कस्टमर से पैसे ले लेते हो, इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। पाकिस्तान के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी ज्यादा होती, बट कैन यू इमेजिन के यूएसए अपनी यूके की जो मार्केट है उसके अंदर पेमेंट भी आपको पहले आ जाती है। मींस मैंने इस बंदे से अभी खरीदा नहीं है लेकिन इसने जो ऑर्डर प्लेस किया है ना मेरे पास, मुझे पैसे उसने पहले ही दे दिए, अब मेरे पास पैसे भी हैं और मैं इस बंदे को डिलीवरी के बाद या मैं इसको इससे पहले अपनी मर्जी के पैसे दे सकता हूँ, पैसे मेरे पास आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉपशिपिंग। ड्रॉप शिपिंग दुनिया में बहुत तेजी के साथ चल रही है, इसमें शॉपिफाई प्लेटफॉर्म है, ड्रॉप शिपिंग का पूरा कोर्स कराया जाता है। ड्रॉप शिपिंग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो चल रही है TooSharing.com के नाम से। TooSharing.com, TooSharing एक ऐसा प्लेटफॉर्म है TooSharing.com जो के उन सब लोगों को जो के ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को वो मेक श्योर करता है कि वो आए। देखो कोई भी कारोबार करने के लिए सबसे पहले मुझे मार्केट पता होनी चाहिए, मुझे प्रोडक्ट मिलने चाहिए, मेरे पास चीजें होनी चाहिए बेचने के लिए और एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे दिखा के मैं अपनी ऑनलाइन दुकान दिखा सकूं। TooSharing एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है, प्रोडक्ट्स देता है, हर प्रोडक्ट के अंदर कमीशन देता है
और आपको बकायदा लोगों को अगर आप बेचते हो तो उसके एक एक रुपए आपके अकाउंट के अंदर जाते हैं और आप अकाउंट से रिडीम भी कर सकते हो। और बहुत जल्द ये लोग इस टाइम पे दुबई इस्लामिक बैंक का एक डेबिट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं कि जो डेबिट कार्ड आपको पे करेगा। अब फॉर एग्जांपल आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स देखते हो, हर प्रोडक्ट के अंदर एक रिटेलर बिजनेस को क्या मिलेगा, एक वो बंदा जो कि ऑनलाइन कारोबार स्टार्ट करना चाहता है उसको क्या मिलेगा, और एज ए कस्टमर की प्राइस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो और दे आर द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ मिनीसु इन पाकिस्तान। जी हाँ, मिनीसु एक जो ब्रांड है आपने देखा होगा, हर बंदे को आपको पता है कि किस तरीके से आपने मिनीसु ऑलमोस्ट हर मॉल के अंदर देखा, हर जगह उनकी शॉप्स खुली हुई है। तो दे आर द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ मिनीसु इन पाकिस्तान। तो एक्चुअली आज TooSharing.com ने आप सब लोगों को ये चूज किया है, आप सबकी प्रोफाइल्स के बाद आप सब लोगों ने अप्लाई किया, आप सब लोगों ने इट वाज अराउंड 40-45,000 एप्लीकेशंस थी उसके अंदर, आप सब लोग फाइनलाइज हुए हो इसके अंदर के TooSharing.com। आप लोग ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि आपने ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है। वैसे आप ड्रॉप शिपिंग का अगर कोर्स देखो तो ड्रॉप शिपिंग का कोर्स अच्छा खासा महंगा है, क्योंकि 30,000 रुपीज का कोर्स आप सबको न सिर्फ फ्री मिलेगा बल्कि आप लोगों को अलाउ करेगा कि आप लोगों में से वो लोग जो जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जो कि पंचुअल हुए, जो कि वाकई सीखना चाहते थे, 10,000 रुपीज की इंसेंटिव और आपको उसका स्टाइपेंड मिलेगा। उस 10,000 रुपीज से आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन। सो यू आर वेरी लकी गाइज, आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग इस चीज के अंदर सेलेक्ट हुए हो, और वो लोग जो कि वाकई सीरियसली इस चीज को सीखना चाहेंगे और जो कि वाकई इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो उन सब के लिए TooSharing.com ने 10,000 रुपीज रखे हैं जो आप लोगों को मिलेंगे और आप लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। अब इसमें करना बहुत ही आसान है, कोई वेबसाइट नहीं बनानी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, वरना शॉपिफाई में आपको प्लेटफॉर्म बनाना है, फिर चीजें लगानी है, फिर बहुत कुछ करना है। एक एक दिन आपको सिखाया जाएगा, एक एक मिनट में इसकी क्लासेस आपके साथ हुए होंगी। और अगर आप में आपके आप तो बीच में सिलेक्ट हो गए, लेकिन अगर आपके कोई ऐसे जानने वाले जो कि बहुत नीडी हैं, जो जॉबलेस हैं, जिनको जॉब से निकाल दिया गया हो, आप काइंडली उनको ये प्रोग्राम रेफर करो। टेप्टा पाकिस्तान का पंजाब गवर्नमेंट वाले भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप प्रॉबेबली ये थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से, तो आप इसको और अप्लाई करवाओ ताकि हर बंदे का ऐसे भला हो सके। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ई कॉमर्स करना है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि वाई ई कॉमर्स, फिर उसके बाद मैंने बताया कि जी व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, वाई ड्रॉप शिपिंग बाहर कैसे हो रही है, ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान के अंदर कैसे हो रही है, तो ये हमने इसके अंदर देखी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब आप लोगों को ट्रेन किया जाएगा तो शॉपिफाई सिखाने के बाद आप लोगों को सिखाया जाएगा कि आपने कैसे अपनी जो है प्रोडक्ट्स को फेसबुक के ऊपर बेचना है। देखें, अब फेसबुक के ऊपर इस वक्त मेरी केस स्टडी पब्लिश हुई है, मेरा थीसिस ई कॉमर्स के ऊपर है, गुल अहमद आइडियाज के अंदर इस वक्त मैं ई कॉम हेड कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है मेरी मतलब जो है काफी मतलब ई कॉमर्स के अंदर ग्रिप है, और फेसबुक ने केस स्टडी जो लॉन्च की है वो फेसबुक पे कैसे सेल लेके आते हैं। देखो, प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, प्रोडक्ट आपको मिल गए, आपने बेचना कैसे आपको वो सिखा दिया, आपको 10,000 रुपए दे दिए काम स्टार्ट करने के लिए, तो आपने वो चीज बेचनी कैसी है। ये इवन जो है मिस्टर उमर मुबीन, माशाल्लाह ही इज वन ऑफ द गुरु इन टर्म्स ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, वो आपको बताएंगे कि फेसबुक की मार्केटिंग कैसे करनी है। तो शॉपिफाई कैसे है, कैसे बेचना है, टू शेयरिंग क्या प्लेटफॉर्म है, टू शेयरिंग के पैसे कैसे कमा सकते हैं, दो तरीकों से, आइदर मेंबरशिप प्रोग्राम, आइदर रीसेलर प्रोग्राम। आप सब लोग इसमें से प्रोडक्ट लेके अपनी अपने प्लेटफॉर्म बना के उनको बेच सकते हो, और कैसे आपको मतलब ये चाइनीज गुड्स आपको अवेलेबल होंगी, these are those kind of goods that are not available in the market, so these are imported goods. तो आपको कैसे मतलब पाकिस्तान के अंदर बेचना है इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ थोड़ा सा सिखाया जाएगा। देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है, और मैं आज आपको बताऊं कि वो इंसान जो कि कंप्यूटर से वाबस्ता हो, वो इंसान जो कि कंप्यूटर के बारे में जानता हो, कोई मैंने ऐसा आज तक बेरोजगार नहीं देखा। अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स
जो कि कंप्यूटर को जानता हो, जो कि कंप्यूटर से वाबस्ता हो, अगर कोई ऐसा शख्स आप उसको जानते हो और वो बेरोजगार हो, आप मेरे आगे गिरेबान पकड़ना। कोई ऐसा इंसान जिसको कंप्यूटर का पता हो, जो इन चीजों को जानता हो, वो बेरोजगार नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, जिसने मैंने आपको बताया कि ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाएगी, फेसबुक मार्केटिंग सिखाई जाएगी, शॉपिफाई पे कैसे आपने बेचना है वो सिखाया जाएगा, आपको टू शेयरिंग पे कैसे पैसे कमाने वो सिखाया जाएगा, और इसके अलावा आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से अर्निंग स्टार्ट करनी, अपना ऑनलाइन कारोबार कैसे स्टार्ट करना है। सो दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज समथिंग विच इज रियली एक्साइटेड, जो हर बंदे के पास नहीं है, जो हर बंदे को नहीं पता, जो नहीं जानते कैसे बाहर की मार्केट में बेचा जाता है, जो नहीं जानते कैसे आपने ऑनलाइन कारोबार स्टार्ट करना है, वो जो नहीं जानते कि कैसे आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। ये कोर्सेस 30,000-60,000 के मिल रहे हैं, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब पढ़ाए जाएंगे, और 10,000 रुपीज की स्टाइपेंड भी उनको मिलेगी, सिर्फ उनको, जो कि पंचुअल होंगे, जो कि काम करना चाहते होंगे, जो कि बाकी अपने लिए कुछ अर्निंग करना चाहते होंगे, उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, आप 1 से 3 महीने तक, 1 to 3 months, डिपेंड्स ऑन द कोर्सेज, डिपेंड ऑन द क्लासेस, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर, ये प्रोग्राम चलेगा, एंड यू आर वेरी लकी गाइज। और अगर किसी को अभी भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं मुझे बताए, देन वी विल गो टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि आप कौन सी फील्ड से हैं, आपने कैसे ई कॉमर्स को करना है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। I want to do dropshipping on Amazon, I have Amazon seller account. Very good, तुम कर सकते हो। तुम्हें प्रोडक्ट्स चाहिए, प्रोडक्ट्स की भरमार टू शेयरिंग पे अवेलेबल है, आपको हमें पे करना पड़ेगा, नहीं आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव अवेल्ड अ स्कॉलरशिप। अच्छा हाँ, देखो सबसे बड़ी बात, TooSharing.com is a Chinese platform, it's a Chinese e-commerce platform, Shanghai University उसके साथ affiliated है, अच्छे खासे उन्होंने इनको पैसे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग शुक्र गुजार रहे TooSharing.com जैसे प्लेटफॉर्म का, जिसने ये मौका दिया आप सबको अवेल करने का स्कॉलरशिप का, और आपको वो सब चीजें पढ़ा रहा है, सारे पैसे दे रहा है, फिर स्टाइपेंड दे रहा है। सो मैं बहुत ज्यादा इस वक्त आप मैं चाहूंगा कि टू शेयरिंग को खराज तहसीन दूंगा कि उन्होंने ये स्टेप उठाया, सर उमर का बहुत ज्यादा इसके अंदर हाथ है इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए, इसको मेक श्योर करने के लिए। तो आई एम रियली हैप्पी टू शेयरिंग का जो हेड ऑफिस है वो चाइना में है, शंघाई में। गाइस मैं आपको बताऊं, मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज अगर मैं एक लीडिंग गुल अहमद जैसे अपेरल ब्रांड को हेड कर रहा हूं, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने वो नॉलेज सीखा जो किसी के पास नहीं था, वो मुझे आया इसी प्लेटफॉर्म, ऐसी ही ट्रेनिंग से। तो मैं आपके सामने एक जीती जागती एग्जाम्पल बैठा हुआ हूँ, और आप में से बहुत से ऐसे हीरे मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री को चार चांद लगाएंगे, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि अपने लिए भी। फ्रीलांसिंग क्या होती है उनको पता होगा, शॉपिफाई पे पैसे कैसे कमाते हैं, डॉलर्स कैसे कमाते हैं, अपनी प्रोडक्ट अपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसे बेचनी है, ये सब आपको पता चल रहा होगा। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन, अगर आपका कोई सवाल है आप फॉरन कर सकते हैं, नेक्स्ट 5 मिनट्स आपको मैं क्वेश्चन के दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे डिस्कशन पैनल पे। डिस्कशन पैनल में ये होगा, उमर मुबीन भी ज्वाइन करेंगे हमें, और हम लोग ये देख रहे होंगे कि आपके कैसे आपकी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में ई कॉमर्स लेके आना है। अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं हुई, और अगर मैंने आज अपना वादा पूरा नहीं किया कि आप इस क्लास से पहले डिफरेंट थे, इस क्लास के बाद डिफरेंट हो, तो प्लीज मुझे जरूर चैलेंज करें, आई लव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। जाहिद शबीर, ओके शहबाज नबी कह रहे हैं आई एम डूइंग मेडिकल इंजीनियरिंग, व्हाट अबाउट मी? देखो मैकेनिकल इंजीनियर्स, आप लोगों को मैं बताऊं, देयर आर सर्विसेज, एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है सर्विसेज। फूड पांडा इज गिविंग यू सर्विस, फूड डिलीवरी वाले आपको दे रहे हैं सर्विस, करीम आपको दे रहा है सर्विस, यू हैव मैकेनिकल इंजीनियर। क्या आपने एक मिनट के लिए सोचा कि एक ऐसी वेबसाइट या आपकी एक ऐप हो जिसके अंदर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो? आप बताओ कि कैसे आप जो है फॉर एग्जाम्पल बता सको किसी को गाइड कर सको कि फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स है, इस किस्म की फील्ड्स हैं, आपने कैसे करना है, उसमें नॉलेज शेयर करो, यूट्यूब का चैनल बना के आप उसमें बताना स्टार्ट कर दो। क्या आपने सोचा? तो मैकेनिकल इंजीनियर्स आर द वन जो कि बहुत इजीली कर सकते हैं। MBBS लोगों, मेडिकल लोगों का मैं बताऊंगा, अगेन यू आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, marham.com आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप रजिस्टर हो, जो लोग आजकल गूगल करते हैं, व्हाट इज द बेस्ट डॉक्टर इन इस्लामाबाद, हु इज द बेस्ट डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद, हु इज द चीप डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद, कौन है जो
और कहाँ बैठता है और क्या उसकी प्रैक्टिसेस है, क्या आपने सोचा कि कभी आपकी प्रोफाइल गूगल के ऊपर सबसे ऊपर आ जाए? आप आज मेरा नाम लिखें हैदर अहमद काजी, आप गूगल पे सबसे ऊपर मेरा नाम पाओगे। तो किस तरीके से आपने अपना नाम गूगल के ऊपर लेके आना है कि क्या आपने कभी सीखा, क्या आपने समझा? तो ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अपनी एक ऐसी एप्लीकेशन, एक अपनी ऐप, एक ऐसी वेबसाइट बनानी है कि लोग आपसे घर बैठे बैठे कंसल्ट करें। डॉक्टर्स, आप मतलब आप इमेजिन करो, लोग डरते हैं हॉस्पिटल जाने से, बट एप्स ने, टेक्नोलॉजी ने, वेबसाइट्स ने, ई कॉमर्स ने आपको घर बैठे बैठे लोगों के घरों में पहुंचा दिया है। दिस इज हाउ अ मेडिकल डॉक्टर शुड थिंक, दिस इज हाउ अ मेडिकल पैनलिस्ट शुड थिंक, और उसको अपने आप को देखना यहाँ है। ये जब सब चीजें इसलिए आपने सीखनी है कि आपने एक मिनट के लिए सोचा, आपने आज अपनी एक वेबसाइट बनाई और उसके अंदर आप लोगों को कहते हैं कि मैं फ्री आपको जो है ना कंसल्टेंसी दूंगा। एक बंदा आया, उसने अपने सिम्टम्स दिखाई, मेरे चेहरे पे एलर्जी हो गई है, आपने उसको टेबलेट बताई और कहा कि अगर आपको ये टेबलेट चाहिए कि आपको होम डिलीवरी मिलेगी, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी, आप तब पे कर दीजिएगा, क्या आपको लगता है कि वो पेशेंट नहीं उसको अवेल करेगा? एग्जैक्टली उसको वो पे करेगा। तो ये सर्विसेज, इस किस्म की चीजें जो है वो आपने करनी है, कहां से वो आपने करनी है, ऐसे प्लेटफॉर्म से। ओके, शहबाज कहते हैं वांट टू लर्न वेब, एग्जैक्टली यू कैन लर्न वेब, हाउ टू मेक वेब शॉपिफाई वेबसाइट कैसे बनानी है, टू शेयरिंग से वेबसाइट कैसे बनानी है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेगी। दवाई.com, एग्जैक्टली दवाई.com इज अ परफेक्ट एग्जांपल। सर आई हैव अ बीकॉम डिग्री मास्टर एजुकेशन, हाउ आई विल डू ई-कॉमर्स? देखो आप लोगों को बीकॉम वाले, मास्टर्स वाले तो ये सवाल ही ना करें, ये फील्ड बनी हुई उनके लिए। बीकॉम इज अ कॉमर्स, ई-कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने कहां से एक चीज खरीदनी है सस्ते में और कहां पे बेचनी है, ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ती आइटम अगर कहीं से मिलती है वो चाइना है, और आप लोग बहुत लकी हो कि टू शेयरिंग जैसे प्लेटफॉर्म में आप लोग इनरोल हो चुके, बिकॉज टू शेयरिंग इज अ चाइनीज प्लेटफॉर्म, उसके पास जो प्रोडक्ट्स लगी हुई है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको तो एक्सेस बहुत आसानी से मिल गई है। ओके, इसके अलावा शहर फ्रॉम लाहौर शॉपिफाई पे जो स्टूडेंट्स इन नॉन मेडिकल, वी कैन डू ई कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, ये आने वाले कोर्सेज क्लासेस आपको बताएंगी कि आपने कैसे पैसे कमाने हैं। किसी भी फील्ड से आप रिलेटेड हो, नो मैटर, यू कैन डू इट। इफ वेंडर विल सेंड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरे लिए पढ़ना मुश्किल हो गए। ओके, प्लीज ट्राई टू एंड द क्लास, डूइंग सेकंड ईयर, डू ई कॉमर्स एज आई एम डूइंग कॉमर्स प्रोडक्ट, एग्जैक्टली यू कैन डू इट। ये जरूरी नहीं है कि आप इस वक्त पढ़ रहे हो या आप नहीं पढ़ रहे, एनीवन कैन डू इट। इवन आज का मैं कहूंगा कि 10-12 साल का बच्चा ये कर सकता है। आप इंडिया में देखो, देयर आर एग्जांपल्स, कुरियर कंपनीज चला रहे हैं, इवन 16 इयर्स, 14 इयर्स के बच्चे हैं। इंडिया में सबसे बड़ा जो होटल चेन नेटवर्क है, इट इज ओयो। ओयो को आप जाके पढ़ो, वो लड़का इस वक्त 30 साल या 25 साल का भी नहीं हुआ, एंड ही इज द बिलियनेयर। हाउ? उसने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से पूरी होटल चेन बना दी। These are the things that आपको जो पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी और आपको बताया जाएगा और इस काबिल बनाया जाएगा कि आप लोग आगे इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सको। And twosharing.com is the number one platform in Pakistan right now, जो कि आप लोगों को सिखा रहा है, आपके आपको पैसे दे रहा है, आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में बता रहा है और इवन प्रोडक्ट्स दे रहा है कि आप अपना कारोबार स्टार्ट कर दो। सो अवेल दिस चांस, get yourself registered, get yourself enrolled and learn this knowledge and these skills. What are you doing? What are we going to learn? Dropshipping? Exactly, to sharing pe demo, ye learning ka, earning ka, ye sab aapko milega. High school students bhi kar sakte hain, bilkul kar sakte hain, website bana ke aap bhi dropshipping. Classes aapki start ho jayengi next week se. Pre-medical student kar sakta hai. Students, Rajay ke saath kar, it's possible to sharing. बिल्कुल आपको ये मिल जाएगा अटेंडेंस लिंक। प्लीज क्वेश्चन स्टार्टिंग, द क्वेश्चन इज प्रॉब्लम फ्रॉम टुडे, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, बिल्कुल कर सकते हो। मोहसिन से राब्ता करो, उमर से राब्ता करो, फातिमा से राब्ता करो, दे विल गाइड यू। इफ वेंडर विल सेंड प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इफ वेंडर विल सेंड प्रोडक्ट टू द कस्टमर एड्रेस फर्दर सेल विल बी नॉट माइन, नो। यही शहजाद कुरैशी, यहाँ पे ही तो फायदा है टू शेयरिंग का। टू शेयरिंग आपको इंश्योर करती है कि अगर वेंडर खुद भी दोबारा से प्रोडक्ट उसको भेजता है, तब भी आपको उसकी सेल का कमीशन मिलता रहता है। दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल्ड एज न्यू ड्रॉप शिपिंग, जो कि अभी है। पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकता है। कैन आई गो विदाउट कंप्यूटर, यस यू कैन डू इट थ्रू मोबाइल फोन। अब तो मोबाइल फोन, बल्कि मोबाइल क्या, मैं तो कहूंगा कि आप
गैजेट्स का जमाना है, गैजेट्स आर लाइक जो इवन स्मार्ट वॉचेस स्टार्ट होंगी है, फोन का दौर भी नहीं रहा. ई कॉमर्स डिजिटल, यस यू कैन लर्न डिजिटल मीडिया, फेसबुक सेलिंग, यू कैन लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग, यू कैन लर्न ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई, सब आपको मिलेगा. शॉपिफाई जो स्टूडेंट काम करना चाह रहे हैं उनके लिए पेपर स्ट्राइप अकाउंट का इशू नहीं, बिल्कुल भी इशू नहीं होगा पेपर का स्ट्राइप का, डोंट यू वरी. सर प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, तहरीम क्या पूछना चाह रही है, स्टार्ट कैसे करें, आप रजिस्टर हो जाएं, आपको फातिमा बता देंगी, मोहसिन बता देगा. हमें प्रोडक्ट के क्वालिटी का नहीं पता, डोंट यू वरी, प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई इशू नहीं होता और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चल रहा है, हमेशा आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलती है. और कभी अगर एक आध केस ऐसा आ जाता है रिटर्न वगैरह का तो वही मैनेज हो जाता है. टू शेयरिंग व्हेन दे रिसीव, नहीं ये जरूरी नहीं है. आई हैव डन मास्टर इन इंग्लिश, कैन आई डू, यस यू कैन डू. आपको पता है मास्टर्स इन इंग्लिश आपकी सबसे बड़ी जबरदस्त स्किल जो है वो है कंटेंट राइटिंग. यस एग्जैक्टली, आप कंटेंट राइटिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं. एमबीए इन एचआरएम, हाउ कैन डू आई ई कॉमर्स, बहुत आसानी से आप ई कॉमर्स कर सकती हो. एचआरएम जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. मैं अगेन कहूंगा आप आएंगे सर्विस इंडस्ट्री में, बहुत सी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत से ऐसे अटेंडेंस सॉफ्टवेयर हैं जो कि लोग दूसरे डिफरेंट कंपनीज को बेचते हैं. आप इस वक्त कैसे एक टैलेंट हंट करके दे सकती हो ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी चैनल वाइज वेबसाइट बना सकती हो, आप कंपनीज को हेल्प कर सकती हो. रोजी डॉट पीके इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल यार, आप एचआरएम वालों के लिए कि जो कि ई कॉमर्स पे कैसे पैसे कमा रहे हैं. सो देर इज अ लॉट ऑफ रूम अवेलेबल एंड गाइडेंस अवेलेबल फॉर यू एंड फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू, जो कि इंशाल्लाह आपको आगे इन कोर्सेज में पता चलती रहेंगी. हम फेसबुक मार्केटिंग, शॉपिफाई, वीपीएन वगैरह. ओके, अगले 5 मिनट में और क्वेश्चन दूंगा, देन आई विल इन्वाइट मिस्टर उमर मुबीन जो कि इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे और आपके क्वेश्चन के आंसर देते रहेंगे. सर आई एम डूइंग माई agronomy, how can I myself to e-commerce? बिल्कुल टेंशन नहीं है, मैंने जिस तरह आपको बताया, you can start service industry, you can start videos making, आप वीडियो बना सकते हो अपनी फील्ड के बारे में, बता सकते हो कि इस फील्ड का ऐसा फायदा ये है, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, सिस्टमेटिक वे कर सकते हो अपने चीजों को, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है. पूरे लेक्चर की समरी दे दें, आई ज्वाइन रिसेंटली, प्लीज सर फातिमा आपको दे देंगे. यू हेल्प मी यूट्यूब चैनल, एग्जैक्टली वी कैन हेल्प यू. फेसबुक विल बायर विल पे मोर मनी तो अस कांट बाय सम सेम प्रोडक्ट और लोअर अमेजोन अली मायसेल्फ नो अमेजोन से आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान के अंदर डिलीवर नहीं होता, इट्स नॉट दैट इजी टू गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी अदर प्लेयर लाइक चाइना और अमेजोन वगैरह से. हम ड्रॉप शिपर बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस, बस जबरदस्त है प्रोडक्ट, बाय कर ली तो क्या रजिस्ट्रेशन होगी है? नो रजिस्ट्रेशन आपकी, आपको गाइड कर देंगे इस क्लास के एंड में कैसे होगी. प्लीज सर वंस कंडक्ट अर्निंग प्रैक्टिकल क्लास, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल क्लास होगी, एग्जैक्टली आपको बताया जाएगा कर रहे हैं, हमारे डैशबोर्ड क्या है, हमने कितना कमा लिया है, वो सब आपको दिखाया जाएगा. डोंट यू वरी, इज यूट्यूब एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म? यस, यूट्यूब कैन बी कंसीडर्ड एज एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिकॉज उसके ऊपर लोग कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं और कॉन्टेंट क्रिएट करके लोग पैसे कमाते हैं. मेडिकल स्टूडेंट आप बिल्कुल ई कॉमर्स कर सकते हो, मैं 3-4 दफा बता चुका हूँ कि मेडिकल स्टूडेंट कैसे ई कॉमर्स कर सकता है. डोंट यू वरी, आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड किया जाएगा कि आपने कैसे करना है, आप सर्विसेज अपनी भेज सकते हो. सर हमने फेसबुक मार्केटिंग शॉप है वीपी क्लास में सेम ही पढ़ाया जाए, नहीं सेम नहीं पढ़ाया जाएगा, आपका लेक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा शायद. सर थोड़ा स्लो काइंडली. आमना अजमल, आई एम रियली सॉरी, मेरे बड़ा लिमिटेड सा टाइम है, बस इतना ज्यादा नॉलेज सर डिलीवर करने के लिए जो मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको इतने से टाइम के अंदर आपको डिलीवर कर सकूंगा. आई होप मैं डिलीवर कर पाया हूँ, अगर मैं नहीं डिलीवर कर पाया हूँ तो आप मुझे गिला कर सकते हैं. सीएस वाले कर सकते हैं, बिल्कुल सीएस वाले कर सकते हैं. एमबीए इन मार्केटिंग बेस्ट फील्ड है, एमबीए इन मार्केटिंग, मैं एमबीए इन मार्केटिंग हूँ. ऑनलाइन क्लासेस फ्री होंगी, बिल्कुल होंगी. सेल्स जॉब वाला कैसे बेनिफिट लेगा? सेल्स जॉब वाला तो दुनिया का सबसे बड़ा बेनिफिट ले सकता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले सेल्स के लोग होते हैं. विल यू गाइड अस अगेन? इंशाल्लाह आई विल बी देयर, आई विल बी गाइडिंग यू, नॉट यू वरी, टाइम ऑफ क्लास आपको पता चल जाएंगी. ओके, सो मेरे ख्याल अब हम चलते हैं मिस्टर उमर मुबीन के पास, वो आप लोगों से कुछ शेयर करेंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच. आई होप I have done the justice with my lecture. I have done, I tried my level best to deliver as much knowledge as I can to you. और इंशाल्लाह आप आगे जब इसमें एनरोल होगे आपको बहुत मजा आएगा. मैं गायब आ गए आता रहूंगा और आप लोगों को गाइड करता रहूंगा और आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा. याद रखना दुनिया के अंदर 2 लोग होते हैं, फर्स्ट मूवर जो के सोने का चमचा लेके पैदा हो जाते हैं, एंड फास्ट मूवर जो के सोने का चमचा लेके पैदा नहीं होते लेकिन सोने के तमाम चमचे जो लोग मुंह में लेते हैं वो चमचे बनाते हैं. तो आपने क्या बनना है आपने सोचना है. आप अगर अमीर नहीं हो नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास पैसा नहीं है नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर इस जिंदगी में आप पैसा नहीं कमा सके, इस जिंदगी में आप बड़े नहीं बन सके,
तो दैट इज द प्रॉब्लम. आपने वो नहीं बनना, आपने वो बनना है जो के आपको तरक्कियों की तरफ ले जाए. और हमने करना है ऑनलाइन लेक्चर. अपना फीडबैक प्लीज जरूर दीजिएगा. एक फीडबैक यूआरएल शेयर हुआ है, मैं आप में से हर एक का फीडबैक पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा. और मैं कोशिश करूंगा कि आपके मतलब जो है ना, मैं उसका फीडबैक का स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखता हूँ, जो कि बहुत अच्छे फीडबैक्स होते हैं. लेकिन मैं सब फीडबैक को जरूर पढ़ूंगा. आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. देखो, हमारे लिए जो सबसे बड़ी एक जिसे कहते हैं रिटर्न होता है, वो आप लोगों की फॉर्म में, आप लोगों के फीडबैक्स की फॉर्म में होता है. तो आप लोग मुझे फीडबैक देंगे. वो पोस्ट का लिंक शेयर कर दिया इन लोगों ने, आप उस लिंक पे जाके बता सकते हो कि हाउ वाज द लेक्चर. अगर आप अच्छा फीडबैक देते हो तो हमें एनर्जी मिलती है नेक्स्ट टाइम दोबारा आने की. ये सब इतनी ज्यादा जो एनर्जी इस वक्त आई भी है ना, ये आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से आई हुई है. तो आप जरूर कमेंट्स करें. फीडबैक का यूआरएल मोहसिन ने शेयर कर दिया है, उस पर आप यूआरएल पे फीडबैक दें. मैं एक एक जाके जरूर पढ़ूंगा और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आगे लेक्चर्स और आपको अच्छे अच्छे डिलीवर होंगे अगर आपका फीडबैक होगा. अगर आपका फीडबैक नहीं होगा तो हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह लेके चलना है. उमर मुबीन साहब इज देयर. आई वेलकम मिस्टर उमर मुबीन. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आपने आज हमें बहुत टाइम दिया, बहुत ज्यादा अच्छा गाइड किया स्टूडेंट्स को. सर थैंक यू सो मच. स्टूडेंट्स हैदर काजी साहब से हम बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आज के सेशन में हम इनको लेके आए हैं. और इन्होंने अपने तारुफ में बताया होगा, ये ई कॉमर्स के हेड हैं गुल अहमद के. गुल अहमद पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है जो कि कपड़े बेचता है, डिफरेंट किस्म के इनके पास वराइटीज होती हैं. सबसे बड़ा ब्रांड पाकिस्तान का, उसका ई कॉमर्स को हेड कर रहे हैं. सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका. साथ में बहुत तरीके अच्छे तरीके से बहुत अच्छी चीजें हमें गाइड की. तो स्टूडेंट आपको फीडबैक का लिंक मिल चुका है, आपने हैदर काजी साहब का नाम लेके इनके बारे में फीडबैक लाजमी देना है कि उन्होंने आपको कैसा गाइड किया और इसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इन फ्यूचर इन तमाम कोर्सेज को देख के. ओके, अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इस सेशन में दो पार्ट है बेसिकली. पहले पार्ट में है, हम आपको वो कोर्सेज बताएंगे जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उनकी आउटलाइंस क्या हैं. ठीक है, और उसके बाद सेकंड फेज पे ऊपर होगा हमारी वो वर्किंग अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में हमने बात की थी आप लोगों से, कि हम आपको एक वर्किंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं काम करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके ऊपर आप लोग पैसे कमा सकते हो. एक छोटी सी एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी अकेडमी, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी, कौन सा ऐसा इदारा है जो कि आपको पढ़ाने के बाद काम करने की 100% गारंटी के साथ अपॉर्चुनिटी देता है कि यहाँ पे आप काम करो और 100% पैसे कमाओगे. ठीक है, जॉब फेयर्स होती हैं यूनिवर्सिटीज में या डिफरेंट इदारों पे उनको रेफर किया जाता है. अगर यूनिवर्सिटी में 6000 स्टूडेंट तो क्या 6000 के लोगों को काम मिलता है? ठीक है, नहीं मिलता. आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है इस बेरहम दुनिया में. जाओ, दर बदर की ठोकरें खाओ, सीवी उठा के घूमते रहो और अप्लाई करते रहो. जॉब मिल गई, अच्छी बात है. किसी किस्मत अच्छी है, जॉब मिल जाती है. किसी किस्मत अच्छी नहीं होती, उसको जॉब नहीं मिलती. ठीक है, तो उन लोगों के लिए खास तौर पे जो कि दोनों कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनकी किस्मत अच्छी भी है, किस्मत अच्छी भी नहीं भी है, उनको जॉब मिलती है, जॉब मिलती नहीं भी है. सेकेंडली, आप अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. हमारा पर्पज क्या होगा? तमाम कोर्सेज का पर्पज यही होगा कि आप लोगों को इतना एम्पावर किया जाए कि आप फेसबुक के ऊपर अपनी एक शॉप बनाओ, वहां पे आप चीजों को सेल आउट करो, आपको मार्केटिंग आ जाए, आपको चीजें बेचना आ जाए. ठीक है, चीजें बेचने का हुनर, वो गुर आपको आ जाएगा, उसके बाद आप दुनिया में कुछ भी बेच सकते हो. अपनी फैक्ट्री लगाओ, चीजें बेचना शुरू करो, चाइना से सामान मंगवाओ, चीजें बेचना शुरू करो. ठीक है, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको चीज बेचनी आनी चाहिए. How to sell is the most important part. ठीक है, उसी की बेस के ऊपर हमने आपके लिए कुछ मार्केटिंग और उससे रेलिवेंट कोर्सेज को प्लान किया. ठीक है, जैसे हमारा एक कोर्स होगा जिसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया. सबसे पहला पार्ट होगा हमारा बेसिक लेवल का पार्ट. बेसिक लेवल के पार्ट में हम आपको क्या बताएंगे कि आपने टू शेयरिंग को किस तरह यूटिलाइज करना है, आपने फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे बनाना है, आपने फेसबुक के ऊपर शॉप को कैसे बनाना है.
ठीक है, फेसबुक के ऊपर एक शॉप बन जाती है जहाँ जो कि एक वेबसाइट की तरह एक्ट कर रही है, वहां पे हजारों चीजें लगी हुई है, आप अपने कस्टमर्स को अपने जो भी पेज के ऊपर आ रहे हैं लोग उनको अपनी पूरी शॉप दिखा और पूरी कैटेगरी वाइज की ये प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास सेल करने के लिए, वो तमाम चीजें वहां पे डिस्प्ले हो रही होती है। उसके अलावा उस शॉप को बेहतर तरीके से कस्टमर तक कैसे पहुंचना है और सेल को कैसे जनरेट करना है, ये पार्ट। उसके बाद फेसबुक का बिजनेस अकाउंट क्या होता है, फेसबुक से प्रमोशन कैसे की जाती है, कैसे आप लोगों को प्रमोट करके अपने ऐड दिखा रहे हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हो कि वो उसकी सेल इंक्रीज हो, ठीक है। उसके बाद बेसिक लेवल की मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा ऑर्गेनिक मार्केटिंग चैनल का। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है, वो मार्केटिंग जिसके ऊपर हम लोग पैसे नहीं लगाते, वो फ्री की मार्केटिंग होती है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक फ्रूट्स होती हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं, उनपे कहा जाता है उनमें कोई केमिकल शामिल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनिकली इनको जो कि खाद वगैरह या उन सब चीज़ों से पाक है, कोई भी केमिकल्स नहीं है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह फेसबुक के ऊपर ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहा जाता है, वो मार्केटिंग वो उन लोगों को आपका एड नजर आए जिसके ऊपर आप पैसे नहीं लगा रहे। लेट्स सपोज आपके फेसबुक पेज पे 50,000 लाइक्स हो जाते हैं, कोई भी एक पोस्ट करते हो पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाते हो, तो बहुत सारे लोग उसको आके देखते हैं, आप उसके ऊपर पैसे स्पेंड नहीं कर रहे फिर भी लोग आके देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक रीच होती है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि आप व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर को एक मार्केटिंग टूल बना सकते हो, उसको मार्केटिंग करने का एक जरिया बना सकते हो, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, अगर कोई यूज़ नहीं करता तो वो यहाँ पे नो लिख दे ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि ये व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, वो और से देख लो ये चेहरा, ये व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस डालने की ऑप्शन होती है, हम तमाम लोग बहुत ही मज़े के साथ दिन में 50-50, 30-20, 10 अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक वहाँ पे स्टेटस अपलोड कर देते हैं, बट क्या हमने कभी सोचा कि इस स्टेटस वाले पार्ट को, इस व्हाट्सएप वाले पार्ट को हम सेल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। मेरे पास 10 किस्म की जूतियाँ बेचने के लिए मैंने स्टेटस पे लगाना शुरू कर दिया, अब उन स्टेटस को देख कौन रहा है, वो लोग जो कि मेरे व्हाट्सएप के ऊपर ऐड है, मेरा नंबर उनके मोबाइल में सेव है, उनका नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट है, एक ब्रिज बना हुआ है हमारा, उन लोगों को नजर आ रहा है कि फलां बंदा ये चीज सेल कर रहा है। ऑनलाइन सेलिंग में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, क्या कोई बता सकता है कि आप ऑनलाइन अगर सेलिंग करते हो या ऑनलाइन कोई चीज खरीदने जाते हो तो सबसे बड़ा इशू आप लोगों को क्या फेस होता है, या कस्टमर को सबसे बड़ा इशू क्या आ सकता है, क्या प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो सकती है? सबसे बड़ा इशू होता है ट्रस्ट फैक्टर, सबसे बड़ा इशू होता है ट्रस्ट फैक्टर। अब आपके व्हाट्सएप के ऊपर कौन लोग ऐड है, वो लोग ऐड हैं जो कि आपको जानते हैं, कोई पर्सनल जानता है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं फैमिली, ठीक है, वो सारे लोग ट्रस्टेड हैं। अगर आपको उनको कोई चीज बेच रहे हो, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंटली उनको ट्रस्ट होगा आपके ऊपर, वो आपको पर्सनली जानते हैं, उनको पता है कि यार अगर इजहार ने मेरे साथ कोई फ्रॉड किया, मुझे कोई दो नंबर चीज़ दी, तो मैं जिसके घर का भी पता है मैं इसके घर चला जाऊंगा, मुझे चीज़ रिटर्न करके, तो ट्रस्ट फैक्टर ख़त्म, ट्रस्ट का एलिमेंट जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्वालिटी, अगर मेरे कोई दोस्त, मेरा कोई यूनिवर्सिटी का दोस्त है जिसके साथ मैंने 4-5 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे, अब मैंने उसका स्टेटस देखा कि इसने ये चीज़ बेच रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या गया कि यार ये मेरा दोस्त है, ये धोखा नहीं करेगा मेरे साथ, ये सरफराज है, ये धोखा नहीं करेगा, ये मुझे ओरिजिनल चीज ही देगा, अगर इसमें कोई फ्रॉड होगा तो ये मुझे वापस करके देगा, मुझे रिटर्न कर देगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन कर देगा, ठीक है। तो यहां से आपके ये दोनों पार्ट्स खत्म हो गए। फिर तीसरी चीज कि वो आपसे इजिली परचेज कर लेगा, एक जूता एक्स वाई जी कंपनी बेच रही है और एक जूता मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरा दोस्त प्रेफर करेगा कि यार मैं इस बंदे से ले लूँ, क्यों, मैं उसको आसानियाँ दे रहा हूँ, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ यार तू 9 बजे घर पे आएगा, तू 10 बजे घर पे आएगा, तू 11 बजे घर पे आएगा, 12 बजे आएगा, बता मैं तेरे घर आके दे जाऊँगा,
या मैं तेरे घर पे रखवा जाऊंगा, छोटे भाई को दे दूंगा, अब्बू आंटी किसी को दे दूंगा, पैसे मुझे बाद में दे दे, ठीक है? ये कंफर्ट आप उसको दे रहे हो। अगर वो किसी वेबसाइट से मंगवाते, टीसीएस वाला कॉल करता है, सर मैं आपके घर के बाहर खड़ा ऑर्डर रिसीव कर लो, वो मैं घर पे नहीं हूँ 10 मिनट बाद आ जाना, सर ओके अल्लाह हाफिज, फोन बंद, रिटर्न ऑर्डर। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, बंदे का मैसेज आया जी मैं 6 घंटे में आपको डिलीवरी करूंगा, 6 घंटे घर में बंद बैठे हुए हो, बाहर चले गए, बंदा भाग गया, मैं क्या करूंगा? तो यहाँ से ये तमाम के तमाम चीजें, कंफर्ट भी दे रहे हो, ट्रस्ट भी दे रहे हो, और इसके अलावा अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हो, आपके तमाम के तमाम मसले यहाँ से हल हो जाएंगे। इसके अलावा एक व्हाट्सएप बहुत छोटी सी एग्जांपल है, आपका इंस्टाग्राम है, आपका ट्विटर है, आपका स्नैपचैट है, बहुत सारी एप्लीकेशन इस तरह और है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टिकटॉक। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि टिकटॉक के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हो, आप एक ई कॉमर्स को चला सकते हो? चाइना में टिकटॉक एक प्रॉपर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है? आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसकी। हम व्हाट्सएप, हम टिकटॉक को किस तरह से, किस मकसद के लिए यूज करते हैं, वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो इस्लामिक वीडियोस हैं, या इस्लामिक गेटअप वाले लोग एंटरटेनमेंट की वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है? मतलब इस रीजन की वजह से या इन वजूहात पे हम उसको देख रहे हैं, या वो पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है? बट मैं अभी आपके तमाम लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं आपके मैसेजेस भी पढ़ूंगा। कोई बात करना चाहता है उसका माइक अनम्यूट करके, कैमरा खोल के आप लोगों से बातचीत भी, गपशप भी चलेगा। जस्ट थोड़ा सा हम अपने कोर्स आउटलाइन को, जो स्टूडेंट्स इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए कि हम उनको क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ताकि वो उस माइंड सेट से इन चीज़ों को सीरियसनेस शो करें, ठीक है? चाइना का एक नासिर खान जान है, वो क्या करता है, छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है? उसने टिकटॉक के ऊपर अपने फॉलोअर्स को पहले इंक्रीज किया डिफरेंट हरकतें करके, उसके बाद कुछ ब्रांड्स के पास गया, वो लॉरियल के पास गया, वो मैक के पास गया, और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के जो लिपस्टिक, नेल पॉलिश, इस तरह की चीजें बनाती हैं, और उन सबको ये बोला कि जी मैं आपको ये तमाम चीजें सेल करके दूंगा, आप मुझे कितना कमीशन दोगे? 30%, 40%, 60%, डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट डीलें करके आ गया। अब उसने एक लाइव शो किया और उस लाइव शो में बोला कि ये तमाम की तमाम चीजें मैं आपको इतने डिस्काउंट पे दूंगा, डिस्काउंट उसको मिलेगा जो मेरे इस लाइव के ऊपर आकर ऑर्डर प्लेस करता है। एक लिंक बना दिया कि जी ये मेरा लिंक है, इसके ऊपर आप आके ऑर्डर प्लेस करना शुरू करो, ऑर्डर जो जो प्लेस करता रहेगा इस लाइव के दौरान, उसको हम डिस्काउंट देते रहेंगे। अब जैसे ही हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था पाकिस्तान में, तमाम सेलिब्रिटीज आके इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव कर रही हैं, 3-3, 4-4, 6-6 घंटे के। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इस इंस्टाग्राम के ऊपर मैं एक फायदे की चीज करूं, क्या करूं, मैं डिफरेंट ब्रांड्स को बोलूं कि आप मुझे कपड़े दो, जूते दो, मेकअप का सामान दो, और मैं उसको ई कॉमर्स पे सेल करना शुरू करूं। बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज एक टाइम पे 60-60 हज़ार लाइव व्यूज उस पर आ रहे हैं, बट वो क्या जी मेरा ये ड्रामा अच्छा था, मैंने यहाँ पे ये किया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे, वो सिंपल गॉसिप चल रही है, ठीक है? कोई किसी को अपने इन चीज़ों को यूटिलाइज करने का ख्याल नहीं। ये तमाम चीज़ें हम लोग अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी मुश्किल होगी प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, लोगों को लेके आने में, बट एक दफ़ा ट्रैफिक आपके पास आना शुरू हो जाएगी, देन तमाम की तमाम चीज़ें आपके हाथ में, और आपके पास ट्रैफिक हो, ऑडियंस हो, पब्लिक हो, तो आप इस मुल्क के वजीर आज़म भी बन सकते हैं। ये पावर ऑफ ट्रैफिक है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें हैं। देन एडवांस लेवल पे जाके सेल मीडिया प्लान है, किस तरह से आप फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को कैसे फाइंड कर सकते हो, और क्या क्या वेज होंगे कि आप उनको अट्रैक्ट करो। प्रो लेवल पे हम वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे, वेबसाइट के ऊपर फेसबुक के पिक्सल्स लगती हैं, जो कि एडवांस तरीन इस टाइम चीज़ें चल रही हैं फेसबुक मार्केटिंग की, कैटलॉग सेल है, उसके अलावा कन्वर्जन की सेल है, रीमार्केटिंग है, डायनामिक ऐड है, तो ये तमाम चीज़ें आपके जो एडवांस लेवल के ऊपर भी आ रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको हम सिखाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्रॉप शिपिंग का होगा। अब ड्रॉप शिपिंग वाले पार्ट के ऊपर हम आते हैं, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट होगा, ठीक है? इसको हम थोड़ा सा, ये सेशन एंड हो जाएगा नेक्स्ट 10 मिनट्स में। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि ये एक अदद वेबसाइट है जिसका नाम है 2sharing.com। बेसिकली ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है,
और इसका जो व्यू है डेस्कटॉप के ऊपर भी ये भी मोबाइल व्यू ही है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी एप्लीकेशन को खोल लिया है। ठीक है, इसका देखें जो व्यू आएगा ये भी आपको मोबाइल व्यू आएगा डेस्कटॉप के ऊपर ही, क्योंकि ये बेस्ड है मोबाइल फोन के ऊपर कि वो लोग जो कि डेस्कटॉप जिनके पास नहीं है कंप्यूटर नहीं है वो मोबाइल फोन से काम कर सकते हैं। इवन डेस्कटॉप पे भी ये वैसे खुलेगा और मोबाइल फोन पे वैसे खुलेगा, इसकी एप्लीकेशन भी अब इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पे हजारों प्रोडक्ट्स लगी हुई है, यहाँ से आप कैटेगरी वाइज शुरू करो तो मिनीसो, इस पे ऑफिशियल मिनीसो का पार्टनर है टू शेयरिंग मिनीसो की, बहुत सारी चीजें लगी हुई है। इसके अलावा मैन फैशन हो गया, वुमेन फैशन हो गया, किड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई चीज, ग्रॉसरी में हजारों चीजें हैं जो कि हमें ग्रॉसरी किस में यूज होती हैं, जिसमें डेयरी होगी, दालें होगी, टी कॉफी स्नैक्स क्लीनिंग वगैरह के लिए, होम प्रोडक्ट्स बहुत सारी, होम टेक्सटाइल की चीज़ें, घरों में जो छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, किचन एसेसरीज होगी। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे मोबाइल फोन्स लगे हुए हैं। ऑल कैटेगरीज में जाएंगे तो आपको ये तमाम कैटेगरीज यहाँ पे देखेंगी कि होम मैन फैशन में बैग शूज़ ब्ला 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 ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने करना क्या होगा, कैसे आपको इसमें पैसे बनेंगे, कैसे आपको यहाँ से इनकम कैसे जनरेट होती है। ठीक है, आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे के एक चीज समझाता हूँ। ठीक है, कि आपने लेट्स सपोज कि हमने इस प्रोडक्ट की तस्वीरों को यहाँ से उठाया, कैसे उठाया, यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे या शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा सेव इमेज, ये आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा इसका इमेज। ठीक है, आपने इस तस्वीर को यहाँ से उठाया और क्या किया, आपने इसके ऐड लगा दिए कि जी मैं ये चीज़ बेचना चाह रहा हूँ, अगर किसी ने ख़रीदनी है तो वो मुझसे रابطہ करे। ठीक है, अगर ये चीज़ किसी ने ख़रीदनी है तो वो मुझसे रابطہ करे, और एक बंदे ने मुझे बोला कि जी ये चीज़ मुझे ख़रीदनी है, मुझे इसका ऑर्डर प्लेस करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा, वाइट कलर को सिलेक्ट किया, कन्फर्म में गया, इस पेज के ऊपर मैं आ गया। ठीक है, इस पेज पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बंदे का एड्रेस ऐड कर दिया जिसको मैंने भिजवाना है माल। ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग वाला काम हो रहा है, जिस बंदे को मैंने ये प्रोडक्ट भिजवानी है मैंने उसका एड्रेस डाल दिया। लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ जी उस बंदे का नाम है अली, वो रहता है पाकिस्तान में, वो रहता है इस्लामाबाद में, उसका एड्रेस इस्लामाबाद का है, हाउस नंबर ये, स्ट्रीट ये, G10 5 इस्लामाबाद। ठीक है, और ये उसका जी फ़ोन नंबर, ये उसका व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पे वो डाल दिया। ठीक है, इस एड्रेस को मैंने सेव कर दिया, ये एड्रेस मेरे पास हो जाएगा सेव। अब मैंने सेकंड काम क्या करना है, मैंने यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट किया और इस ऑर्डर को मैंने कर दिया कन्फर्म, मैंने इस ऑर्डर को चेकआउट कर दिया। अब सीन क्या होगा, टू शेयरिंग वालों के पास ये ऑर्डर जाएगा। ठीक है, वो इस ऑर्डर को रिसीव करेंगे और उसके बाद उस कस्टमर तक ये चीज़ पहुंचाएंगे। कस्टमर चाइना से या लोकल मार्केट से चीज़ को अरेंज करना, वेंडर से प्रोडक्ट को लेके आना, उसके बाद उसको पैक करना, उसके बाद उस कस्टमर तक इस चीज़ को पहुंचाना, तमाम की तमाम जिम्मेदारी टू शेयरिंग की। अच्छा, अब एज अ टू शेयरिंग मेम्बर मुझे इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हर प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है वीआईपी कैशबैक, ये कैशबैक की अमाउंट मेरे अकाउंट के अंदर ऐड होगी। ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल अकाउंट भी यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने कितने पैसे कमा लिए हैं इस वेबसाइट से। ओके, मैं टू शेयरिंग के मेन पेज के ऊपर आया, यहाँ नीचे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे है पर्सनल का बटन, पर्सनल के बटन में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो ये मेरा नाम लिखा हुआ है, आपको ये मेरा अपना अकाउंट है, हम सब आप लोगों के लिए ये अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट में बना के देंगे। और यहाँ पे लिखा होगा चीज वॉलेट, अब जिस टाइम आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो आपका एक चीज वॉलेट क्रिएट हो जाता है, एक वॉलेट अकाउंट आपका इस वेबसाइट के ऊपर बन जाएगा। अब इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आ रही है कि जी आपकी अवेलेबल बैलेंस अमाउंट इतनी है, टोटल अमाउंट ये है। ठीक है, कि आपने टोटल अमाउंट अभी तक इतनी कमा ली है इस वेबसाइट से, और आपकी जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या है कि ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में है, जैसे ही ये ऑर्डर कंप्लीट होंगे इसके पैसे भी मुझे मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपने बैलेंस डिटेल्स में गया
तो यहाँ से मुझे एक एक पैसे की रिपोर्ट मिल रही है, किस डेट को, कितने बजे, कितने मिनट और कितने सेकंड पर किसी ने मेरे उस लिंक से ऑर्डर किया, वो लिंक जो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस के ऊपर डाला हुआ है, वो लिंक जो मैंने डिफरेंट अपने फेसबुक पेजेस के फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर डाला हुआ है, जहाँ जहाँ मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ मैंने वहाँ पे अपना लिंक अपना कोड डाला हुआ है कि अब यहाँ से जाके बाय करो, कोई भी उस कोड के ऊपर क्लिक करके बाय करेगा उसके पैसे मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है वो उसके ऑर्डर यहाँ से पैसे कट जाते हैं, कोई मसला नहीं है, पैसे कट रहे हैं, पैसे आ पी रहे हैं, ठीक है। एक एक पैसे का हिसाब, 270 रुपये आए, 270 रुपये आए, ठीक है, एक एक पैसे का हिसाब यहाँ पे लिखा जा रहा है, नोट डाउन हो रहा है। उसके अलावा इन पैसों को मैंने निकालना है, ठीक है। अगर मैंने अपने बैंक में ट्रांसफर करना है मुझे क्या करना होगा, विड्रॉ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा आ गया जी 3 से 7 दिनों में ये बिजनेस डेज में आपके पास आ जाएंगे। अभी इस टाइम आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है, ठीक है, उसके वो आप अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे और यहाँ पे आप इसको कंफर्म कर दोगे और यहाँ पे आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है, जिस बैंक में आपको पैसे चाहिए वो बैंक अमाउंट आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल दोगे, नीचे जाके आप विड्रॉ पे कंफर्म करोगे तो ये पैसे 3 से 7 दिनों में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी खरीद सकते हो, मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, वो पैसे जमा होते हैं मैं चीज़ें खरीदता हूँ, ये मैंने मोबाइल फ़ोन भी ख़रीदा, इसके अलावा फिर मिनीसो की चीज़ें मैं ख़रीदता हूँ, ये बैग्स वगैरह कपड़े, ये एक और मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था 41,000 का, तो मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था, ठीक है। तो ये सारे पैसे मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उठाया, वो प्रोडक्ट्स ढूंढी वेबसाइट से जिन पे कैशबैक ज़्यादा था, उन वेबसाइट्स को मैंने लगाना शुरू कर दिया डिफरेंट अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर, अपने स्काइप के ऊपर लोगों को मैसेज कर दिया, स्काइप के ऊपर मेरे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स वगैरह हैं और वो सब चीज़ें, तो मैंने इस तरह से अपने उस लिंक को यूटिलाइज़ किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग सेल ऑर्डर करें और वो ऑर्डर मेरे पास एज अ कैश बैक उनके पैसे में पर रिसीव होते रहे, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पे। फेसबुक लाइव के ऊपर भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं हमसे, हम उनके सवालों के भी जवाब देते हैं और इसके अलावा जूम के ऊपर भी बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने फेसबुक के लाइव के ऊपर जहाँ पे लोगों के बहुत सारे सवालात जमा हो चुके हैं। ये लिंक कैसे बनता है, ये लिंक हम आपको बना के देंगे, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गया वो ये है कि आप लोगों के माइंड में एक सवाल आएगा, अभी शायद आ भी गया हो, कि मैंने कस्टमर को एक ऑर्डर भिजवाया, ठीक है, कस्टमर ने नेक्स्ट टाइम, या मैंने उसको लिंक भिजवा दिया कि जी ये मेरा लिंक है आप यहाँ से जाके ऑर्डर कर दो, और उसको पता चल गया कि यार ये टूर शेयरिंग की वेबसाइट से है, उसने सर्च किया कहीं ना कहीं से, उसको पता चल गया यार ये टूर शेयरिंग पे आप ऑर्डर करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, और उसने वो ऑर्डर खुद से कर दिया और मुझे उसका VIP कैशबैक नहीं मिला, ठीक है। इस बात से आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि यार अगर कस्टमर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर आके ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देगा तो मुझे कैशबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसके अगेंस्ट थोड़ा सा काम है, वो क्या है कि अगर कस्टमर आपके लिंक से हमारी वेबसाइट के ऊपर आया और उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उस ऑर्डर का कैशबैक आपको मिल जाएगा। अगर उसने खुद से अपने लिए ऑर्डर करना चाहा, ठीक है, कि यार इसका कैशबैक भी मुझे मिले, तो उसको बनना पड़ेगा हमारा VIP मेंबर, ठीक है। आप लोगों को तो ये VIP मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बट टू शेयरिंग पे अगर कोई बंदा आके VIP मेंबरशिप लेता है तो वो VIP मेंबरशिप उसको मिलेगी 3,000 रुपए की, ठीक है। और जिस टाइम वो इस 3,000 रुपए की मेंबरशिप को लेगा, इसका 20% आपको एज अ कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का आपको आइडिया है ना कि एक बंदे ने आपके लिंक से कोई चीज खरीदी, उसका कैशबैक आपको मिल गया, अब वो बंदा खुद वो रिसेलर बनना चाहता है, वो 3,000 रुपए की मेंबरशिप यहाँ से आके लेगा, इस 3,000 रुपए का 600 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद वो टू शेयरिंग पे कभी भी कोई भी चीज खरीदेगा
उसका कैशबैक आपको मिलता जाएगा, वो हमेशा के लिए आपके साथ अटैच हो गया। वो यही सोच रहा है कि जी मैं ज्यादा समझदार हूँ, मैं उस फला बंदे को प्रॉफिट पहुंचाने के बजाय अपने आप के लिए प्रॉफिट जनरेट करो। वो अपने आप के लिए प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, बट उसके साथ साथ उसके कैशबैक का 25% आपको भी मिल रहा है। अगर उसने 100 रुपये कमाए तो 25 रुपये आपको भी मिलेंगे अगर वो आपके लिंक के साथ इस वेबसाइट के ऊपर आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बड़ी एक सोच समझ के एक प्लान को, हमारे जो अंदर लालच क्रिएट हो जाती है कि यार मैं उसको फायदा क्यों पहुँचाऊँ, मैं अपने आप को फायदा क्यों ना पहुँचाऊँ, उसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया। अगर वो ये सोचेगा कि मैं उसको फायदा क्यों पहुँचाऊँ, मैं अपने आप को फायदा क्यों ना पहुँचाऊँ, तो वो हकीकत में आपको डबल फायदा पहुँचा रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उस बंदे को कह सकते हो कि जी आप जाके भले रजिस्टर हो जाओ, वहां पे जो कैशबैक होगा वो आपको मिलेगा। अब उस बंदे ने एक ऑर्डर करना था जिसका 100 रुपये या 200 रुपये आपको मिलने थे, अब उस बंदे ने VIP मेंबरशिप ले ली, उसका 600 रुपये आपको मिल गया। उसके बाद वो जिंदगी में जितने भी ऑर्डर प्लेस करता जाएगा उसके सारे कैशबैक आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए ये जो VIP कैशबैक, ये VIP कार्ड है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बेसिकली आपको इन चीजों की स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। इनके पैसे TooSharing.com भरेगा, और इसके अलावा जो आपको ट्रेनिंग करवाई जा रही है, ठीक है, उसकी भी मैंने आपको अमाउंट दिखाई थी स्क्रीन के ऊपर कि 30,000 रुपये के कोर्स हम अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच रहे हैं, ठीक है। ये चीज एक्सीलेंस सेंटर की वेबसाइट है, हम इन कोर्सेज को 30,000 प्लस का बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। तो ये कोर्सेज आपके लिए होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इन कोर्सेज को आपने अचीव कैसे करना होगा या लेना कैसे होगा, स्कॉलरशिप के लिए आपने क्या करना है, ठीक है। अगर आप कर चुके हैं वेल एंड गुड, नहीं किया तो अभी के अभी जाओ, मैं आपको ये लिंक भिजवा रहा हूँ, जूम के ऊपर भी भिजवाता हूँ और फेसबुक लाइव के ऊपर भी भिजवा देता हूँ। तो ये आपको लिंक इस पेज का मिल जाएगा, आपने इस पेज के ऊपर जाना है और यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा बाय नाउ, ठीक है, ये बाय नाउ लिखा हुआ है। इस बाय नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको कंफर्म करना है, यहाँ सबसे ऊपर अपना एड्रेस वगैरह डाल देना है, ठीक है, और आपने कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करके इस ऑर्डर को कर देना है चेकआउट, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी करके इस ऑर्डर को चेकआउट कर देना है, कंफर्म कर देना है। इस अमाउंट को भूल जाओ, इस वेबसाइट पे जीरो अमाउंट नहीं ऐड हो सकती, इसलिए कुछ ना कुछ लिखना है कंपल्सरी, कुछ ना कुछ प्राइस लिखना, तो 1 रुपी कर दिया, ठीक है। आपको 1 रुपया भी नहीं देना, ठीक है। इस ऑर्डर करने का मकसद क्या है, आपका अकाउंट टू शेयरिंग पे बन जाएगा, उस अकाउंट के ऊपर हम आपका ये 3,000 रुपये वाले कार्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिवेट हो जाएगा और इस पे आप फिर वर्किंग करके पैसे कमा सकते हो, आपका चीज वॉलेट अकाउंट बन जाएगा। आपको कुछ भी बाय नहीं करना, कुछ भी नहीं खरीदना, 1 रुपया भी नहीं देना। आपको जो कोर्सेज मिल रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड है, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आपको ये 3,000 रुपये का VIP कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है स्कॉलरशिप के ऊपर, आपने 1 रुपया भी नहीं देना। समझ आई या दोबारा समझाऊं, ये जो समझ आई हुई थी वो भी चली गई। ओके जी, आप लोगों के मैसेजेस बहुत सारे हैं और मैं एक नन्ही सी जान में इतने मैसेज कैसे पढ़ूंगा। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ वन मोर टाइम, 30,000 रुपये के कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, आप लोगों ने 1 रुपया भी नहीं देना। ये 3,000 रुपये की मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, आप लोगों ने 1 रुपया भी नहीं देना। ये सारे पैसे जो आपके 3,000 इस कार्ड के, 30,000 रुपये आपकी जो पढ़ाई वाले हैं, पढ़ाई के अखराजात हैं, वो सारे के सारे स्पॉन्सर्ड हैं, ठीक है। और मैं अभी आपको अपने स्पॉन्सर्ड भी दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन से इदारे हैं जो कि आप लोगों के बिहाफ पे
इदारे को फीसें भरे। देखो इदारे नहीं चलना है पैसों के ऊपर, जरूरत है, मेरी सैलरी है, हमारे स्टाफ की सैलरी है, जिस जूम को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इस जूम के पेट में बहुत सारा पैसा डालना होता है तो ये चलता है, ठीक है, तो ये मशीनरी है, तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें खर्चे अखराजात हैं जो कि हम लोगों को बर्दाश्त करने होते हैं, ठीक है। तो उसके बेस के ऊपर कंपनी ने बोला कि ये तमाम खर्चे हम लोग आपको पे करते हैं, आप स्टूडेंट से इस वक्त कुछ नहीं लो। क्यों स्टूडेंट से आप कुछ नहीं ले रहे? दो तीन रीजंस हैं। सबसे पहली, लोगों के पास इस टाइम नौकरियों के मसले हैं, जिनकी नौकरियां थी उनकी नौकरियां चली गई, सैलरियां कट रही हैं, नई जॉब्स नहीं आ रही, कारोबार बंद है, हफ्ते में चार दिन तो दुकानें बंद होती हैं, फिर सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 तक दुकानें खुली हैं, मेन हमारा जो बिजनेस का टाइम था वो शुरू ही रात 8 बजे होता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, फिर लोगों को ई कॉमर्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना, ठीक है। हमारा मकसद क्या है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी की नॉलेज देना, आप लोगों में से ही लोग वो होंगे, वो लोग उठ के सामने आएंगे जो कल के जेफ बेजोस बनेंगे, जो जैक मा बनेंगे, जो पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री को उठाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह दराज से बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आप लोग बनाओगे, ठीक है। कल की तैयारी हमने आज से शुरू करनी है। ओके जी, 1 रुपीज जो वहां पे पॉइंट्स लिखे हुए ना, इस पॉइंट्स का भी मैं आपको मकसद बता देता हूँ कि पॉइंट्स क्यों लिखे हैं यहाँ पे। अगर ये अंकल जूम मुझे इसको कैंसिल करने के लिए इजाज़त दे तो ठीक है। हम यहाँ पे एड्रेस में गए और न्यू एड्रेस को ऐड किया, कंट्री से सिलेक्ट किया, चाइना, कुवैत, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई, यूके और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये कितने मुल्क बनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 मुल्कों में आप पाकिस्तान से बाहर चीज बेच सकते हो, ठीक है। किसी ने यूके के मार्केट को चीज बेचनी है, वो यहाँ से बैठ के यूके में चीजें बेचो लोगों को, यहाँ से बैठ के सऊदीया में बेचो, यहाँ से बैठ के चाइना वालों को चीजें बेचो, उनसे खरीदते हैं, हम खरीद के लेके आएंगे, आप बेचते जाओ, ठीक है। तो इसलिए रुपीज को खत्म करके पॉइंट्स किया। बाकी आप किसी भी इस चाइना से कोई भी वेबसाइट खोलेगा तो उसके सामने चाइनीज करेंसी में पैसे आ रहे हैं और जो कैशबैक है वो आपको पॉइंट्स नजर आएगा, ठीक है। अभी ये सारे के सारे बंद हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान से कोई भी फ्लाइट बाहर नहीं जा रही, बट इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी ये सब कुछ खत्म होगा, हालात बेहतर होंगे, तो हम पाकिस्तान से बैठ के कुवैत में भी बेचेंगे चीज़ें, हम चाइना में भी बेचेंगे, हम सऊदीया में भी बेचेंगे, हम यूएई में भी बेचेंगे, हम यूके में भी बेचेंगे और हम अमेरिका में भी बेचेंगे, ठीक है। वहाँ पे डॉलर्स में चीज़ें सेल होंगी, वहाँ से जो हमारा कैशबैक है वो भी डॉलर्स में होगा, तो इंशाल्लाह हम लोग अच्छा एक कमाना शुरू करेंगे। ओके जी, जब तक अकाउंट एक्टिव होगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड टू अवर कस्टमर। अगर हम अपने खुद को प्रोडक्ट्स भी सेल करना चाहते हैं टू शेयरिंग के तो वो कैसे कर सकते हैं? ओके जी सहर, बट सवाल का जवाब ये है कि जो टू शेयरिंग से चीज़ भेजी जाती है, ठीक है, उसके क्वालिटी चेक किया जाता है कि चीज़ अच्छी हो, कस्टमर को अच्छे तरीके से मिले, वो रस्ते में डैमेज ना हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, वो क्वालिटी चेक का पूरा यहाँ से किया जाता है। बट कुछ केसेस होते हैं कि चीज़ जाते हुए टूट जाती है, कुछ केसेस होते हैं कि उसने 5 नंबर जूता मंगवाया और उसको 6 नंबर जूता चला गया, ठीक है, ह्यूमन एरर है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी यहाँ पे सारे फरिश्ते बैठे हैं वेयर हाउस में, से कोई गलती नहीं होती, गलती होती है और गलती इंसान से होती है। अब गलती का अजाला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारी वेबसाइट के ऊपर जो एक्सचेंज और रिफंड की पॉलिसी है, इसका मतलब है जो उसकी टर्म है वो है नो क्वेश्चन आस्क रिफंड और एक्सचेंज। आपके पास गलत चीज़ आ गई, ख़राब चीज़ आ गई, आपको चीज़ मिल गई पसंद नहीं है, आपने हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और बोलना है जी मेरा ये ऑर्डर नंबर है मुझे एक्सचेंज कर दो। हम ये नहीं पूछेंगे जी क्यों एक्सचेंज करें, हम उसे बोलेंगे जी ओके एक्सचेंज करना है, फेयर इनफ, ये एक्सचेंज का प्रोसीजर है और इस तरह आपकी चीज़ एक्सचेंज होगी। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा उससे कि क्यों एक्सचेंज करना है या नहीं करता, ब्ला ब्ला, हम उसको सिंपली कर देंगे। पॉइंट्स की कैलकुलेशन ये है कि 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपया, 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ठीक है। सिर्फ रुपीस की जगह वहां पे पॉइंट्स लिखा हुआ है, सिर्फ ये फर्क है। अगर चाइना में आपको चीज बेच रहे हो तो वो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 चाइना युआन,
अगर आप यूएसए में कोई चीज बेच रहे हो तो उसका मतलब है वन पॉइंट इज इक्वल टू वन डॉलर. तो आप जिस मुल्क में ये चीज बेच रहे हो उसकी करेंसी कुवैत में बेच रहे हो तो वन पॉइंट इज इक्वल टू वन दिनार. ओके, आपकी जो क्लासेस शुरू होंगी वो शुरू होंगी 28 और 29 और 30 30 जून से. ठीक है, 30 जून से. इंटरनेशनल एरर आ रहा है, इंटरनल एरर कहाँ पे आ रहा है मुझे, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मोहसिन के नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, फातिमा के नंबर पे व्हाट्सएप कर दो. हमारी टीम 24 घंटे एक्टिव होती है. ठीक है, कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है आप मोहसिन से पूछ सकते हो. कोई किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप मोहसिन से पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे और मैसेज कर सकते हो. ठीक है, हम अगर खुद चीज़ें बेचना चाहें तो मैं इसका प्रोसेस आपको सिंपल सा बता देता हूँ. आपको मैं अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आपने एक एक्सेल की शीट में तमाम डिटेल्स लिख के मुझे भिजवा देनी है कि जी ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है. ठीक है, और इस तरह से हम कर सकते हैं. टूल शेयरिंग यूरोप में तो डिलीवर नहीं कर रहा, डिलीवरी होगी क्योंकि डिलीवरी इस टाइम बंद है. टूल शेयरिंग क्या, इस टाइम पाकिस्तान में कोई भी यूरोप में डिलीवरी नहीं कर सकता क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पाकिस्तान से बंद हैं. इस वजह से इल्यूजंस बिहाइंड इमेजिनेशंस, काफ़ी अंग्रेजी नाम है माशाल्लाह. सर वीडियो ऑफलाइन मिल सकती है जी आपको, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स में मिल जाएगी. फेसबुक के ऊपर हमारे पेज के ऊपर जाओगे तो हमारे पेज के ऊपर आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. इसके अलावा कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क अस. आप फेसबुक के इनबॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो. आपको फीडबैक का लिंक दे दिया है, वहाँ पे कोई सवाल है आप वहाँ पे सवाल पूछ सकते हो. कोई भी आप लोगों का इशू होगा यू कैन आस्क. सैटरडे क्लासेस होंगी, आपको तमाम टाइम टेबल दिया जाएगा क्लासेस का जी, इस दिन आपकी क्लास होगी. बार बार कह रहा है कि मोबाइल नंबर इनवैलिड, मोबाइल नंबर इनवैलिड अगर आ रहा है तो उस नंबर को थोड़ा सा चेंज करके देखो मेरे भाई. ठीक है, चेंज कैसे करोगे आप, अगर 03 लगा रहे हो तो आप शायद फॉर्मेट गलत लिख रहे हो, आप 0 नहीं लगाओ, खाली 321 से शुरू करो. ठीक है, ओके जी. इजी पैसा पे पैसा कहाँ गया, पैसा इजी पैसा से पैसा निकाल सकते हैं आप, यहाँ से किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो और वहाँ से निकलवा लो. टू शेयरिंग से आप इजी पैसा में करो, जैस कैश में करो. अभी हमारी दुबई इस्लामिक बैंक से एक डील चल रही है कि हम आपको सब लोगों को दुबई इस्लामिक बैंक का कार्ड दे देंगे. ठीक है, कि आप सिंपली अकाउंट में पैसे आए, एटीएम पे जाओ, पैसे निकालो और कैश रिसीव कर लो. ठीक है, आप लोगों को फीडबैक का लिंक दे दिया गया है तमाम लोगों को. सर जी 3000 हमसे तो लिया था, ये कौन है भाई. ठीक है जी, आप लोगों को फीडबैक का लिंक दे दिया है, आपके फीडबैक के लिंक का फीडबैक का इंतजार रहेगा. और इसके अलावा चलिए जी, थैंक यू सो मच. सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होंगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा. हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना 100% आप लोगों को दें. इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ अपने फेसबुक का मेरा एक ग्रुप है उसका लिंक शेयर कर देता हूँ. अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने लिंक आप लोगों को दे दिया है. इसके अलावा आप लोगों के लिए मेरे पास हमारे YouTube चैनल का लिंक है. उस YouTube चैनल के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो आके हमारे चैनल को देखें, उनको आइडिया हो हमारे वीडियोस को देख के कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं और हमारा वर्किंग स्ट्रेटजी क्या होती है. ठीक है, हमारी लर्निंग जो हम करवा रहे हैं वो किस तरीके कार से करवा रहे हैं. ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा. आपको मैंने YouTube का लिंक भी दे दिया, इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और क्या कहते हैं अंगूठे का बटन नहीं, बेल आइकन पे क्लिक कर दें. कर दें, नहीं करें, ना करें, ऐसे रहने दें, क्या करोगे मेरा. ठीक हो गया. और सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये लिंक आप लोगों को अभी अभी हम प्रोवाइड कर चुके हैं. इस लिंक के ऊपर जाके जल्दी से जल्दी
चार्ज करो, आप जल्दी से जल्दी जाके ऑर्डर प्लेस करो ताकि आप शामिल हो सको इस मेंबरशिप में। जिसने टू शेयरिंग के ऊपर जाके इस 1 रुपये वाली प्रोडक्ट का ऑर्डर किया होगा, हम उसी को शामिल करेंगे। जिसने 1 रुपये का ऑर्डर नहीं करा होगा इन कराची लैंग्वेज, हम उसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारी फाइनल लिस्ट तैयार होगी वो टू शेयरिंग के ऊपर जिन लोगों ने कार्ड ऑर्डर किया हुआ है सिर्फ उनको चीजें मिलेंगी। फ्रॉड तो नहीं है? देखो हमारा फ्रॉड किस चीज़ का, आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ आगे पढ़ लो। अब हम पढ़ाई में तो फ्रॉड नहीं करेंगे ना आपको, हम फेसबुक कह के पढ़ाना शुरू करें और पढ़ा दें हम आपको अमेजोन या ईबे या अली एक्सप्रेस या कुछ और। फ्रॉड पार्ट एलिमेंट कहाँ पे शामिल होता है और अब उस फ्रॉड को एलिमिनेट कैसे कर सकते हो? ठीक है, देखो हम लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं ना कि यार ये बंदा ये काम कर रहा है, यार ये फ्रॉड कर रहा होगा, ये झूठ होगा, ये धोखा होगा, ये स्कैम होगा। ठीक है, और ये जो माइंडसेट है ये कोई हमने याद नहीं किया हुआ, ये हम स्कूल में हमें पढ़ाया नहीं हुआ, इस दुनिया को देखकर ही हमें पता चला यार, इस फ्रॉड्स को देख कर ही आइडिया हुआ है कि यार फ्रॉड ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जो आप सामने कोई चीज़ आ रही है खास तौर पे इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है, उस चीज़ को सबसे पहले गौर से देखो कि यार इसका मैकेनिज्म क्या है, ये चीज़ क्यों ऐसे बेच रहा है, ये बात ऐसे क्यों कर रहा है। कल रात को मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो सेंड की, उस पर लिखा हुआ था, उसकी मतलब वीडियो थी और बोल रहा था कि जी ये फेस मास्क है KN95 के, ऐसे KN95 भी है मार्केट में, वो मैंने खुद पर्सनली 550-600 रुपये का परचेज किया है और लास्ट टाइम मैं 3 लेके आया था तो मुझे 700 रुपये के हिसाब से वो मास्क मिला था। वो वीडियो पे बोल रहा है कि जी बंदे ये जी मास्क 100 रुपये का या 150 रुपये का मास्क आता है, लोग इसे बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं, ये वो, तो ये टाइम फायदा कमाने का नहीं है, इस टाइम में ये मास्क हमें जी लोगों को फ्री में बांटना चाहिए। तो मैं जी ये मुझे 180 रुपये का मिला और मैं भी 180 रुपये का ही दे रहा हूँ, शायद बचा चुका हूँ, 30 तारीख को क्लास होगी। ठीक है, तो वो वीडियो में बता रहे जी मैं 130 रुपये का मास्क दे रहा हूँ, मुझे 130 रुपये का मिला तो मेरे को प्रॉफिट नहीं कमा रहा। ये बात करते साथ ही जी मेरे पास ये जूते भी हैं, मेरे पास ये किचन की सामान भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये सारी चीज़ें भी आप मेरी वेबसाइट से खरीद सकते हो। उसकी वेबसाइट के ऊपर कोई उसके फेसबुक पे वीडियो थी, कोई 50,000 कमेंट्स हो गए जी माशाल्लाह यू आर डूइंग वेरी वेल जी, आप लोगों की खिदमत कर रहे हो, आप लोगों को कॉस्ट प्राइस के ऊपर जी सप्लाई कर रहे हो मास्क और ब्ला ब्ला। अब मुझे एक दोस्त ने वीडियो दिखाई, उसकी वीडियो को देख के मैंने बोला कि इसके पास एक मास्क भी नहीं होगा, इसने आज तक जिंदगी में किसी को एक मास्क भी नहीं दिया होगा। ठीक है, ये सिर्फ मास्क के नाम पे अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहा है। जब उसके कमेंट्स में देखा तो वहां पे लिखा हुआ था जी मुझे मास्क ऑर्डर करने और नीचे उसने लिखा जी आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, वीडियो पोस्ट करने के कुछ देर बाद ही उसने मैसेज किया हुआ जी मास्क आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो आप उसके मैकेनिज्म को देखना शुरू करो कि यार वो ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, व्हाट इज बिहाइंड द कैमरा। हो ये शाहिद वकास को कोई बताए कि जो फ्री की क्लास है, जो फ्री का सेशन है वो होगा 30 तारीख को, और अगर आप बैच 4 के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू मैन। जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चले जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर कोई सी चीज़ का आपको आंसर नहीं मिला तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको आपके तमाम मसलों के, तमाम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी देंगे और आपको आंसर भी देंगे, और हमारी जो फाइनल लिस्ट है वो अपने फेसबुक पेज पे बहुत जल्द पब्लिश कर देंगे। Thank you and Allah Hafiz.